एक चीज मैंने गौर की एंड दैट्स अ वेरी वेलकम चेंज कि आपकी दोनों ही किताबों में आपकी पत्नी तनु का खूब जिक्र आता है, और दुनिया के तमाम पुरुषों की तरह आप ऐसे भी प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई देखो घर में तो उसकी चलती है, उसने मुझे ये बोल दिया तो मुझे ये करना पड़ा। तो मैम का क्या रिएक्शन रहता है आपकी राइटिंग पे? फाइनल ड्राफ्ट वही अप्रूव करती हैं पहले कम और से यू कम वांट अस जब टू बिलीव दैट? आप कह रहे हैं दुनिया के तमाम पुरुष, तो आपकी भी फिर वही स्थिति लग रही है मुझे। इसमें आई कोई आई देखिए, रिफ्यूज टू कमेंट ऑन दैट। आई हैवन्ट रिटन अ बुक सो आई विल अवॉइड दैट क्वेश्चन। पत्नी तो पत्नी ही होती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, पत्नी पत्नी रहती है। रही बात बुक्स का, बुक्स पे वो इसलिए कॉमेंट कर दी कि आप बड़ा हंसेंगे, उसने दोनों ही बुक्स नहीं पढ़ी, बट वो ओके कहती है कि हाँ दोनों, और उसको कोई शौक भी नहीं है। वो कह रही मुझे नहीं पढ़नी, बट वो कहती मैंने आपके साथ सारे पल जिए हैं, जब भी मैंने कोई चैप्टर्स लिखे मैंने एक्चुअली उससे पूछा है कि इसमें क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, एंड शी रिमेम्बर्स एवरीथिंग वेरी विविडली। वो मेरे साथ हर वक्त रही है, मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ये कोई मैरिज, आप जानते हैं, कोई प्लान या डिजाइन से नहीं होती है कि मेरे को ऐसी पत्नी मिलेगी जो मेरे साथ गांव में भी रहना चाहेगी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी रहना जब चाहेगी। आप बैरो के थानाध्यक्ष थे। जी हाँ, बेड़ो थाना अध्यक्ष था मैं, 3 महीने में गांव में रहा, जहां ना बिजली थी ना पानी थी, सन 99 में, आप इमेजिन कर सकते हैं, 99 और 2000 में। बट स्टिल शी वॉज विथ मी देयर। तो मेरे जो SSP थे, कमिश्नर साहब थे, उस वक्त रांची के, बड़े सरप्राइज थे कि किसी यंग IPS ऑफिसर की वाइफ गांव में जाके उसके साथ रह रही। बोले ऐसा नाम पहली बार सुन रहे। जयशंकर साहब थे ना एसपी एसएसपी दोनों। हाँ, वो सब जितने भी नाम है, मैंने, आप जानते हैं, वो काल्पनिक नाम है, इस किताब में कोई भी असली नाम नहीं लिखा है क्योंकि वो लिख अच्छा नहीं सकते, बट सब बढ़िया लोग हैं। देवर ऑल सरप्राइज कि किसी की यंग ऑफिसर की वाइफ, मतलब इतनी अनकंफर्टेबल लाइफ भी लीड करने को तैयार है। तो बोला कि मतलब तुम बहुत खुशकिस्मत हो। और मेरी वाइफ का रोल सबसे ज्यादा ये रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, शी इज ऑलवेज गोइंग टू स्पीक हर माइंड। एक होता है कि ऑफिशियल मैटर्स में मैं दखल अंदाजी नहीं करूँ, तो ऑब्वियसली दखल अंदाजी नहीं करती, बट इफ शी कम्स टू नो कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, वो वेट नहीं करेगी। वो बोलेगी कि आपने उससे इस तरह से, जैसे फोन पे सुन लिया मैं किसी को डांट रहा हूँ, तो शिल टेल मी कि उसकी बात तो सुन लो डांटने से पहले, या बी पेशेंट या जो भी है। तो उसका रोल जबरदस्त रहा है, शायद इसलिए कि वो पुलिस, उनके पिताजी पुलिस में थे, या फिर उनका खुद का एक कोर सेट ऑफ प्रिंसिपल जैसा है कि सही गलत की उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहचान है। और वो शी डजंट मींस एनी वर्ड्स। अगर मैं कभी हवा में भी उड़ता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत जबरदस्त हो गया हूँ, बॉन्ड हो गया हूँ, तो मुझे धरती पे लाने में उनको 1-1.5 मिनट लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आई थिंक सभी के लिए कि कोई एक यस, बैलेंसिंग फैक्टर लाइफ में रहे, नहीं तो हम लोग सब तो बिल्कुल अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाए। थैंक यू अमित लोढ़ा इस बातचीत के लिए। किताब जिसका शीर्षक है लाइफ इन द यूनिफॉर्म, एडवेंचर्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार, पेंगुइन पब्लिकेशन से किताब छपी है। इसके कुछ किस्सों की झलक आपको इस बातचीत के जरिए मिली, और आपसे बात करना हमेशा ही मजेदार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी, और जो नाराजगी थी इतने महीनों से जो कमेंट बॉक्स में दिख रही थी, किताब वाला क्यों नहीं आ रहा है, आई एम फाइनली बैक। थैंक यू सो मच। इस पूरी बहुत बहुत बातचीत के बारे धन्यवाद में आपकी जो सौरभ। भी राय हो, और जी पिछली बार भी जब आपसे इंटरव्यू हुआ था तो बिहार डायरीज के बात हुई थी, और मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि बिहार डायरीज हिंदी में भी आ चुकी है और काफी उसको सराहा जा रहा है, क्योंकि किताब वाला के कई दर्शक हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। जी और जी मैंने जो ये किताब लिखी है भी बहुत ही सरल भाषा में लिखी, आम बोलचाल की भाषा में लिखा है, तो लोग पढ़ेंगे उनको मजा आएगा।